अब हम कर रहे हैं बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर एड़ी को नितंब से लगाएं, दोनों पैरों को मिला दें। दोनों हाथ कंधों के समानांतर श्वास भरते हुए राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन, राइट साइड का कान जमीन से टच। थोड़ी देर होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे ऊपर। अब दोनों पैरों को पुनः लेफ्ट साइड करवट, राइट साइड गर्दन, मनी मन 10 का काउंट। धीरे धीरे ऊपर। अब राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन। रुकिए, आप इसमें बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे ऊपर। अब इसमें हम रुकने का थोड़ा अभ्यास बढ़ाते हैं, जिससे बैक पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और ध्यान से समझिए, एड़ी को निपटम से टच कर दीजिए, दोनों पैरों को मिला दीजिए, घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, ऐसा रहेगा। अब जो हाथ को सीधा नहीं रख सकते हैं, जगह की कमी है, तो हाथों में लोब लगाकर गर्दन के पीछे ऐसे भी रख सकते हैं। इसी मुद्रा में करेंगे अभी। श्वास भरते हुए दोनों पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। होल्ड करिए, मनी मन 10 का काउंट। धीरे धीरे ऊपर। अब राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन। धीरे धीरे ऊपर, लेफ्ट साइड करवट, राइट साइड गर्दन। धीरे धीरे ऊपर। अब राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन। धीरे धीरे ऊपर आए। अब पैरों में फासला, दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर या लोक लगाकर गर्दन के पीछे रख सकते हैं। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड लेकर आए, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पातल से या एड़ी से टच करें। नेक अपोजिट साइड, ईयर जमीन से टच करने की कोशिश। कान काउंट करें, मन ही मन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे ऊपर, लेफ्ट साइड करवट, राइट साइड गर्दन। होल्ड करिए, धीरे धीरे ऊपर, राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन। धीरे धीरे ऊपर। लास्ट एक बार और। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक पेन के लिए।
धीरे धीरे ऊपर, राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड कर। धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स, इसी मुद्रा में रिलैक्स, घुटने फोल्ड रहे, दोनों हाथ नाभि पे रख दीजिए और धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। इसमें आप देखिए पूरा वेट नीचे आ जाता है, जमीन से टच हो जाता है, तो बैक पेन वालों के लिए कंफर्टेबल पोस्चर है। हो सके तो रात में पहले ऐसे ही सोए तो आपकी बैक अच्छी रहेगी। अब साइटिका पेन के लिए, अब दोनों घुटने फोल्ड लिए हैं, लेफ्ट को राइट की थाई पर रखिए और हाथों में लोक लगाइए थाई के नीचे से और ऊपर उठाइए, ऐसे स्पॉट दीजिए। ये भी साइटिका के लिए अच्छा प्रयोग है। मन ही मन काउंट करिए 15 तक, रुक सकते तो 10 तक, तो रुके कम से कम। धीरे धीरे नीचे, यही सेम क्रिया लेफ्ट लेग से रिपीट करिए, राइट को ऊपर रखिए। यस, धीरे धीरे नीचे एक बार और, राइट पैर से धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट लेग से रिपीट, धीरे धीरे नीचे, दोनों पैर सामने की ओर फैला दीजिए। अब लेफ्ट पैर फोल्ड करिए, लेफ्ट पैर राइट घुटने के पास स्थापित, दोनों कंधों के समानांतर, लेफ्ट पैर को राइट साइड ले जाएं, जमीन से टच करने का प्रयास, नेक अपोजिट साइड, लेफ्ट पैर का पंजा जमीन से टच और राइट साइड का घुट और घुटना राइट साइड जमीन से टच, पंजा जहां पर पैर है वहां पर टच रहेगा। धीरे धीरे ये क्रिया राइट पैर से दोहराए, राइट पैर फोल्ड, जाए लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर। अब लेफ्ट पैर फोल्ड करें, राइट की थाई पर राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ें और जित आराम से राइट साइड ले जाएं, कोई जबरदस्ती नहीं, नेक अपोजिट साइड, धीरे धीरे लेफ्ट पैर सीधा राइट फोल्ड करें तो साइड में रख सकते हैं राइट, और इस लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़े जाए लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर एक बार और, राइट पैर सीधा लेफ्ट थाई के ऊपर, जाए राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन, धीरे धीरे ऊपर। अब लेफ्ट पैर सीधा राइट फोर्ड थाई के ऊपर, यस, जाए लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत।